नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल टेक आरबी में। आज मैं बात करूंगा जो आईएसएल का मैच है फुटबॉल का, उसके बारे में। एफसी गोवा और पुणे सिटी के बीच में जो मैच है उसका ड्रीम इलेवन, प्लाइंग इलेवन और कुछ इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। बात करते हैं, ये मैच है एफसी गोवा और पुणे सिटी के बीच में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा, 7:30 बजे से, शाम 7:30 बजे से मैच है। बात करते हैं हेड टू हेड की, तो गोवा ने 3 मैच जीता है, पुणे ने 3 मैच और 2 मैच ड्रॉ हो गया है, तो लगभग लगभग दोनों सेम पोजीशन पर हैं हेड टू हेड से, और साथ में खेलती हैं तो लगभग सेम पोजीशन पे। और इस बार क्या हुआ है पॉइंट्स टेबल में बात करते हैं, तो पॉइंट्स टेबल में बात करते हैं तो ये हो गया गोवा। गोवा सेकेंड स्थान पर है 7 पॉइंट के साथ और पुणे सिटी 10वां स्थान पर है 1 पॉइंट के साथ। तो इस बार पुणे सिटी बिछड़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ में अच्छा प्रदर्शन करता है तो ज़्यादा प्लेयर गोवा का ही रखिएगा, 7 प्लेयर गोवा का रखिएगा और पुणे सिटी का 4 प्लेयर रखिएगा। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो रिसेंट फॉर्म में गोवा ने 3 मैच जीता है और 1 मैच ड्रॉ और 1 मैच लूज हो गया है। और पुणे की बात करें तो पुणे ने 4 मैच हारा है और 1 मैच ड्रॉ किया हुआ है, जीता कोई मैच नहीं है। तो इससे भी लगता है कि गोवा की टीम एकदम मजबूत है। बात करते हैं प्लेइंग इलेवन की, तो गोवा के प्लेइंग इलेवन में मोहम्मद नवाज़ है, सैरिंगटन फर्नांडस है और चिंगलेनसाना सिंह है, मोर्तादा फॉल है और मंदर राव देसाई है, अहमद जहांग है, लेनी रोड्रिग्यूस है, जैक चंद सिंह है, हुगो बोमस है और इडू बेदिया है, फर्नांडो कोनोमिनास है। और इम्पोर्टेंट प्लेयर की बात करें तो इम्पोर्टेंट प्लेयर में फर्नांडस है, फॉल है, यहाँ से रोड्रिग्यूस है और जैक की चंद सिंह है और बोमस है, बेदिया है और फर्नांडो कोमिनसन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है, इसको ही कैप्टन वाइस कैप्टन कैप्टन बना सकते हैं। और बात करते हैं पुणे सिटी के प्लेइंग इलेवन की, तो पुणे सिटी के प्लेइंग इलेवन में विशाल कैत है जो गोलकीपर है और फनाई है, मैट मिल्स है, मार्टिन डायस है, साहिल पनवार है, रोहित कुमार है और मार्को एस्टैंकोविक है, निखिल पुजार है, आसिक कुरनियान है और परेरा है और अल्फारो है, इमिलियानो अल्फारो है। तो ये हो गई पुणे की प्लेइंग इलेवन। और बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की, तो टीम मैंने बनाया है और एडिट करके देख लेते हैं। गोलकीपर की बात करें तो गोलकीपर में मैंने विशाल कैथ को रखा हूँ और डिफेंडर की बात करें तो डिफेंडर में मार्टिन डायज को रखा हूँ। यहाँ से सर्जियो फर्नांडस है, मैट मिल्स है और एक मोर्टोडा फॉल है यहाँ से। तो डिफेंडर में 4 प्लेयर है। और उसके बाद मिडफील्डर की बात करें तो मिडफील्डर में मंदर राव देसाई है और जैकी चंद सिंह है। उसके बाद यहाँ से लेनी रोड्रिग्यूस है और इडू बेडिया है, इसमें भी 4 प्लेयर मैंने रखा हूँ। उसके बाद आप
कुरियन को, आशिक कुरियन को भी रख सकते हैं। और स्टेट फॉरवर्ड की बात करें तो स्टेट फॉरवर्ड में मैंने दो प्लेयर फर्नांडो क्रोमिनास और इमिलियानो अल्फांड्रो को रखा हूँ, दो प्लेयर रखा हूँ। उसके बाद आप बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन वाइस कैप्टन में कैप्टन तो कैप्टन के लिए एकमात्र चॉइस मेरा फेरानो क्रोमिनास है, जो बहुत ही अच्छे कैप्टन के लिए है। और बात करते हैं वाइस कैप्टन की, तो वाइस कैप्टन मैं बनाया हुआ हूँ फॉल को, मोर्टुडा फॉल को आप वाइस कैप्टन में बना सकते हैं। सरिंटो फर्नांडस भी को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। उसके बाद इडू बेंडिया को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं, जैकी चंद सिंह को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, और यहाँ से रोड्रिग्यूज को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो ये हो गई टीम की बात। बात कर लेते हैं टीम प्रीव्यू की, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो लेकर।